हे फ्रेंड्स, आई एम वंदना मुखर्जी। वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे कैलकटा स्टाइल चिकन दम बिरयानी। ये तो सभी को पसंद है। इफ यू लाइक मेरी रेसिपी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मेरा रेसिपी कुछ और था, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए, तो मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। चिकन ली है 500 ग्राम, इसको हम धो के साफ करके रखे हैं। प्याज को हम पीस लिए हैं, एक ही बड़ा साइज प्याज। लहसुन पेस्ट ली है 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर ली है छोटा चम्मच की 1/2 चम्मच। नमक रखिए स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। रेड चिलीज 1/2 चम्मच रखिए, आपको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। अदरक पेस्ट बड़ा चम्मच की 1 चम्मच। दही ली है 150 ग्राम। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। ये दही डाल देते हैं। इसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं। प्याज पेस्ट डाल दिए, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, रेड चिलीज, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर। ये इसको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छा से मिक्स्ड हो गए हैं। इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। ये बोल में हम 1 ग्लास चावल को भिगोया था, बासमती राइस, और इसको हम 1/2 घंटा के लिए भिगा दिया था। फिर उसके बाद हम छान ली है पानी। 4 आलू ली है, इसको उबाल के रखे हैं। उबाल के हम छिलका निकाल दिए हैं। 2 अंडा को हम उबाल के छिलका निकाल दिए हैं। ये हम लिए है बिरयानी मसाला बनाने के लिए 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, जोइत्री थोड़ा सा, दालचीनी 2 और इलायची 4, लवंग ये 4-5 रखा है, और ब्लैक पेपर रखे है थोड़ा सा, व्हाइट ब्लैक पेपर रखे है थोड़ा सा। प्याज रखे है 1 बड़ा साइज प्याज को हम लंबा लंबा काट लिए है। नमक रखे स्वाद अनुसार। ये है मिल्क, 2 चम्मच मिल्क ली है, और इसके ऊपर हम ये सैफ्रन डाल दिए है थोड़ा सा, और फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा रखे है। घी रखिए, देसी घी। और यहाँ पर जो बिरयानी मसाला के लिए बनाने के लिए रखा था, ऐसे सेम चीज़ हम जब पानी हम उबालेंगे तब डालेंगे। ये भी तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, जोइत्री, ब्लैक पेपर, ये सब यहाँ पर रखे हैं। विनेगर रखे हैं और ऑयल रखे, कुकिंग राइस हम जो यूज़ करते हैं सनी लाइट। गैस ऑन कर दी है और एक कढ़ाई ले लिया। ये हम बिरयानी मसाले के लिए डाल देते हैं। मार्केट में भी बिरयानी मसाला मिलते हैं, आप चाहे मार्केट में भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर पे बना हुआ बिरयानी मसाला बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये भुना हो गया, गैस बंद कर देते हैं और इसको हम पीस लेंगे। गैस ऑन कर दी है। 1 बड़ा साइज पतीला ले लिए है और पानी डाल दिए है। पानी को गर्म होने देते हैं। ये भीगे हुआ चावल से हम थोड़ा सा नींबू, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और ना भी, नींबू की रस दे देते हैं क्योंकि ये चावल टूटेगा नहीं, और मिक्स कर देते हैं। पानी में उबाल आ गया और ये हम
जो लेके रखे हैं, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, ब्लैक पेपर, ये डाल दी है और नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। चावल का डालेंगे, धीरे धीरे हम चावल छोड़ देंगे और पानी उबाल आने के बाद ही हम चावल डालते हैं। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये चावल तो भीगा हुआ है, हम इसको हाफ बॉईल करेंगे। ये गैस ऑन कर दिए और इसमें एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, 2 चम्मच। तेल गर्म हो गया, प्याज को छोड़ देते हैं और ये प्याज को भूनते भूनते हम ब्राउन बनाएंगे। देखिए प्याज तो ब्राउन कलर हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं और उठा देते हैं। ये चावल पक गए हैं, देखिए ये हाफ हो गया है, इसको हम पानी ड्रेन कर देते हैं। ये चिकन के जो मैरिनेट करके रखे हैं, 2 घंटा हो गया, इसको हम बनाना है। कढ़ाई ले लिया और जो हम प्याज को भुने हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल है इसमें और बाकी तेल हम डाल देते हैं। लगभग हम 3 चम्मच तेल पूरा है। तेल में हीट आ गया, हम चिकन को डाल देते हैं। चिकन को डाल दिए और इसको हम पकाना है। चिकन को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस को हम हाई फ्लेम में रखेंगे। इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर पकाएंगे। ये चावल, इसके हम जो पानी था निकाल दिए हैं और इसको है ठंडा होने देते हैं। ये कवर हटा देते हैं और देखिए चिकन का जो ग्रेवी है थोड़ा सा है और इसको थोड़ा सा पकाना है। इस टाइम हम आलू डाल देते हैं। चिकन को थोड़ा सा पकने के बाद हम आलू डालते हैं। चिकन पूरी तरह से पक गए हैं और ग्रेवी भी ड्राई हो गए हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। गैस ऑन कर दिए है और एक तवा रखे हैं, इसको हम एकदम गैस लो फ्लेम में कर दी है, इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं। पतीले को कवर करने के लिए मैदा लेके हम इसको पानी मिला के गूंद लिए हैं। ये पतीले में हम थोड़ा सा घी डालते हैं और ये घी को हम हाथ से अच्छा से लगा देते हैं, हाथ साफ है। पहले पतीली में सबसे पहले चावल डाल देते हैं, इसको लेवल कर देते हैं। पहले चावल लगा दिए हैं, फिर चिकन डालते हैं।
चिकन को हम डाल दिए हैं, फिर चावल डालते हैं, मतलब बीच में हम चिकन डालते हैं। ऐसे चावल डालने के बाद तीन छेद लगा देते हैं। ऐसे तीन छेद लगा दिए और ये जो मिल्क, सैफ्रन और फूड कलर डाल के हम बनाए हैं, ये थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। आपका फूड कलर पसंद ना हो तो सैफ्रन से भी कलर थोड़ा सा आते हैं, लेकिन उतना नहीं आते हैं। और थोड़ा सा चावल के ऊपर हल्का सा देते हैं। ये जो केसर रखे हैं, ये जो केवड़ा वाटर है ये डालते हैं। ये जो छेद की है इसमें एकदम नीचे जाएगा, इसलिए हम छेद किए हैं। जो नीचे हम ये चावल रखे हैं उसमें भी कलर रहते हैं। ये जितना आपको पसंद है, हम दो चम्मच डाल दिए हैं, आप डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला जो बनाए हैं उसको कूट लिए हैं और ये थोड़ा सा देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, इसको टेस्ट ख़राब कर देती है, हल्का सा ही ठीक है। ये ऑनियन जो ब्राउन कलर की है ये डाल देती है। और ये अंडा रख देते हैं। आप अंडा के परिमाण बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको फिर कवर करना है। कवर करने के पहले थोड़ा सा घी डाल देते हैं। और इसको कवर कर देते हैं। ये जो मैदा भून के रखे ये ऐसे पूरा डालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे जैसे इसको भाप नहीं निकालेंगे। ये रेडी हो गया। तवा तो पहले से हल्का गर्म हो गया और इसको हम लो फ्लेम में रखेंगे, एकदम मीडियम की हाई नहीं होंगे, नहीं तो जल जाएगा। इसको रख देते हैं 20 मिनट के लिए। ये 20 मिनट हो गया, इसको हम उतार देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। ये हम 5 मिनट के लिए रख दिया था और थोड़ा ठंडा हो गया। ये मैदा को हम रिमूव कर देते हैं। ये मैदा रिमूव कर दिए और चेक करते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा खुशबू है, पूरा किचन तो भर गया है। ये कलकत्ता दम बिरयानी रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा कलरफुल हुई है। देखिए दम चिकन बिरयानी रेडी हो गया। और ये कलकत्ता स्टाइल जो बिरयानी होते हैं इसमें अंडा और आलू ज़रूर रहेगा। ये टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।